सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। किसी भी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। आप अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि सूरज और चंद्रमा दोनों ही चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। कौन किस काबिल है ये कौन जानता है, जिसने कुछ किया ही नहीं उसे कौन पहचानता है। कौन किस काबिल है ये तो वक्त बताता है, जो वक्त की सही कद्र करना सही से जानता है। आज का पंचांग 30 मार्च 2021 दिन मंगलवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि, शाम 5:27 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्र नामक नक्षत्र दोपहर 2:22 तक रहेगी। इसके उपरांत स्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:34 से 5:06 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 30 मार्च 2021 दिन मंगलवार, आपके अवसर आपसे पुराने रंजिश निकालने के लिए आपके काम में देर कर सकते हैं। आप इसके कारण बहुत चिंता करेंगे, क्योंकि इससे न केवल आपकी वर्तमान स्थिति बल्कि आगे आने वाली योजनाएं भी प्रभावित होगी। इससे मैं अपनी घरेलू खुशियों के कारण खुश रहें, क्योंकि इससे आपको नया उत्साह मिलेगा। जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करेंगे और काफी हद तक सफल भी होंगे। व्यवस्था के बावजूद आप अपने व्यक्तिगत तथा रुचि संबंधित कार्य में भी समय निकाल लेंगे। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग अपने अध्ययन तथा नौकरी को लेकर गंभीर रहेंगे। फिलहाल परिस्थिति आपके नियंत्रण में रहेगी, पैसों से संबंधित भी आवक बढ़ेगी। आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा। आपके काम अपेक्षा से कम वक्त में पूरे होने के कारण नए कामों की शुरुआत पर आप ध्यान दे पाएंगे। विदेश से संबंधित काम करते समय आपको नाराजगी भी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव नजर आएगा, फिर भी बनाए रखने की कोशिश आपके पार्टनर द्वारा की जाएगी। सावधानियां, अपनी उपस्थितियों को हासिल करने के लिए अपने स्वभाव में भी लचीलापन लाना जरूरी है। इस समय कोई भी निर्णय लेते समय ठंडे दिमाग तथा धैर्य से काम लें। कोई अप्रिय अथवा अशुभ समाचार मिलने से मन व्यथित रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। घर परिवार का वातावरण सुखद व सौहार्दपूर्ण बना रहेगा तथा आपसे संबंधों में भी उचित सामंजस्य रहेगा। प्रेम संबंधों के उजागर होने का खतरा बना हुआ है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के दिमाग कुछ बदलावों के बारे में सोच रहा हो। उनकी रुचि अब जीवन को साहसिक तरीके से जीने में हो गई लगती है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें कई तरह के प्रयोग करने पड़ेंगे। आपको भी अपने खाने की आदतें या निवास बदलना पड़ सकता है। अगर आपका पार्टनर कुछ नया अजमाना चाहता है तो उस पर हंसे नहीं। बात करते हैं करियर की। चीजें आपके अनुसार कार्य नहीं कर रही है, जैसे कि आपने योजना बनाई थी। पहले आपको इस कारण से आक्रामक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आपके सारे प्रयास बर्बाद हो सकते हैं। कार्य में प्रगति के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता होगी, लेकिन इसे इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा आपसे कम प्रतिभाशाली व्यक्ति आपके समक्ष आ सकते, जिसके पास काफी ताकत होगी, लेकिन समय की मांग है कि इस व्यक्ति के साथ विवादों में ना उलझें, जो कि आपके स्वयं के सर्वोत्तम हित में होगा। बात करते हैं सेहत की। आज के दिन कोई नया संबंध
संबंधित कार्यक्रम शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। अपने खाने का विशेष ध्यान रखें और आज से नियमित रूप से एक्सरसाइज शुरू करें, जिसके आप हाल फिलहाल अपेक्षा करते आ रहे हैं। आपको यह समझना जरूरी है कि अच्छी मानसिक सेहत के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत आवश्यक है। नए योग क्लास में हिस्सा लें या दूसरी रिलैक्स करने वाली तकनीक अपनाएं। आपके जीवन में अब उनकी खासी आवश्यकता है। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी को गुलाब की माला चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।